अवैध शस्त्र सप्लायर गिरफ्तार। जनपद में अवैध शस्त्र बनाने व बेचने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थानागढ़ मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना सहित 7 आरोपियों को सियाना चौपला से ब्रजघाट की ओर रास्ते पर पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया है। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अवैध पिस्टल को 40,000 से 45,000 रुपए में, रिवॉल्वर को 20,000 से 30,000 रुपए में और पोनिया को 8,000 से 10,000 रुपए में तथा तमंचे को 5,000 से 7,000 रुपए में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अवैध शस्त्रों को डिमांड मिलने पर अपराधी किस्म के लोगों को सप्लाई करते थे। गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य थाना व जनपदों से की जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 10 अवैध पिस्टल में 4 मैगजीन, 3 अवैध रिवॉल्वर, 5 अवैध तमंचे, 2 अवैध पोनिया तथा 25 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। देखिए, कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि मेरठ के कुछ रहने वाले नए उम्र के लड़के यहां गढ़ में आकर के और हापुड़ शहर में आकर के अवैध रूप से असला सप्लाई करते हैं। इस पूरी सूचना को हमारे थाना गढ़ मुक्तेश्वर टीम ने डेवलप किया और इस पूरी सूचना को पुख्ता रूप से डेवलप करने के बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसमें हमारे पास 10 अवैध पिस्टल बरामद हुई हैं 0.32 बोर की, 4 मैगजीन बरामद हुई हैं, 3 अवैध रूप से निर्मित रिवॉल्वर बरामद हुई है, 5 अवैध रूप से निर्मित तमंचे, 2 अवैध पोनिया तथा 25 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये सभी जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं ये जनपद मेरठ के रहने वाले हैं, नए उम्र के लड़के हैं और मेरठ के 2-3 बड़े सप्लायर जो इनको पिस्टल दिया करते थे और ये बिचौलिए का काम किया करते थे और आगे जाकर के लोगों को सप्लाई किया करते थे। उन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि ये जो पिस्टल है लगभग 40,000 से 45,000 रुपए में बेचा करते थे, रिवॉल्वर को 20,000 से 30,000 रुपए में और पोनिया जो है वो 8,000 से 10,000 रुपए में बेचा करते थे। ये सभी लोग डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पे काम किया करते थे, जिसकी डिमांड जहाँ से रेज होती थी वहाँ इनको ये सप्लाई किया करते थे। और पहले भी इसमें जो एक अभियुक्त है वो इतना शातिर है कि एक मर्डर के केस में भी जेल जा चुका है। और ख़ास बात यह है कि इसमें हमारे यहाँ थाना कोतवाली नगर में एक घटना हुई थी, एक व्यापारी के यहाँ लूट का घटना हुई थी, उसमें एक अभियुक्त जो इनमें गिरफ्तार हुआ है वह शहजाद उर्फ बंटी, जो इसमें बांछित चल रहा था, जो 15,000 रुपये का इनामी था, वह भी इन पूरे गैंग का सदस्य रहा है और उसको भी हमने अरेस्ट किया है। तो ये बहुत अच्छा एक थानागढ़ मुक्तेश्वर पुलिस ने काम किया है जो अवैध रूप से जिस तरीके से हथियार बरामद हुए हैं, क्या इनका इस्तेमाल आगामी जो नगर पालिका के चुनाव होने वाले का उसमें भी होना था? देखिए, आगामी नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग लगातार विजिलेंस रखे हुए थे, उसी के तहत ये हमने पूरी सूचना को डेवलप किया था। हालांकि अभी इसमें ये क्लियर नहीं हुआ है ये इसका इस्तेमाल चुनाव में करते या नहीं करते, लेकिन यह ज़रूर है कि ये घर घर जा कर के अवैध रूप से पिस्टल भारी मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ अभी और भी ऐसे वांछित अभियुक्त हैं जिनको हम लोग अभी गिरफ्तार करेंगे, जिनका नाम इन्होंने अपनी पूछताछ में हमको बताया, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की। सर, उससे पहले इन लोगों द्वारा कितने हथियार सप्लाई किए? देखिए, लगभग ये 1.5-2 वर्षों से ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। मेरठ के कुछ ऐसे गैंग्स के नाम इसमें सामने आए जो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं और इन्होंने बताया लगभग 2-2.5 साल से करते हुए अभी तक इन्होंने 25-30 तो कम से कम पिस्टल सप्लाई करी दी है और उसके अलावा ये तमंचा है और भी जो असला है वो भी इन्होंने भारी मात्रा में सप्लाई किया। जिन जिन को भी इन्होंने सप्लाई किया है हम सभी को चिन्हित कर रहे हैं और सभी को टारगेट करते हैं, उन सभी को भी गिरफ्तार किया है। ठीक है सर, थैंक यू।